हेलो एवरी वन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी तैयारी फेज़ टू के लिए जो बहुत सारे डाउट है ना कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सी टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा अथवा नहीं, और एस टेट का जो सर्टिफिकेट इशू है कि उसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या डाला जाए और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन कब तक मिलेगा, उसके बारे में सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपके लोकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। नीचे कमेंट करके उस जगह का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो को कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ना ऑफिशियल पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट रहे नहीं। ठीक है, देखिए ये इनकी ऑफिशियल पीडीएफ है और इसमें 15 नंबर पेज पे जैसे ही आप आओगे ना, एज वाला क्राइटेरिया का जो है वो मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूं और आपको सारी जानकारी दे देता हूं एज के बारे में, जो है छूट वगैरह के बारे में। ये देखो पेज नंबर 15 है, आप भी अपने ये जो पीडीएफ है इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सभी पदों पर, हर पद के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, खैर अभी पीआरटी की वैकेंसी आई नहीं है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए, सभी के लिए जो न्यूनतम सीमा रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। ठीक है, और उच्चतम यानी कि 9-10 के लिए जो है अधिक न्यूनतम सीमा जो है 21 रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ से आप देख लो, उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है पुरुष वर्ग के लिए, जनरल से अगर आप आते हो तो 37 साल रखी गई है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या फिर पिछड़े वर्ग की महिला हो आप, तो 40 साल आपका एज यहाँ पे रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल तक एज रख दी गई है। ठीक है, और प्रधानाचार्य के लिए अलग से है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं, मैंने 6 to 8 की बात जो है आपको बता दी है। अब दूसरा नंबर जो डाउट है आपका, देखो आप, मैं थंबनेल पे ही ले चलता हूं ताकि आपको जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वेट, जी हाँ, यहां से आप थंबनेल देख सकते हो, थंबनेल पे मैंने जो जो बातें बताई थी तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि उम्र सीमा में छूट की बात एज ऑफ नाउ, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 7 तारीख को, अभी तक उम्र सीमा में कोई किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है। और बीपीएससी के द्वारा जो रवैया अपनाया गया है, उनका जो एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग आपको उम्र सीमा में कोई भी छूट एज क्राइटेरिया में नहीं मिलने वाली है। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा माथापच्ची जो हो रही है 6 to 8 के लिए हो रही है। तो देखिए 6 to 8 वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर आपका ऑनर्स में 2 साल आपने, चाहे वो सब्सिडरी के तौर पर या फिर जनरल पेपर के तौर पर या फिर ऑनर्स पेपर के तौर पर 2 साल अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, इन इंग्लिश वाले के लिए बात करते हैं, तो वो इंग्लिश से फॉर्म भरेंगे और इसी तरह यानी कि भाषा शिक्षक के तौर पर फॉर्म भरेंगे। इसी तरह से अगर किन्हीं का जो है हिंदी है तो वो हिंदी के लिए फॉर्म भरेंगे। लेकिन देखिए मसला कहाँ फंसता है, वो SST वाले के लिए। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखिए मसला फंसता है SST वाले के लिए, तो देखिए SST वाले के लिए क्या जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ जो है बता देता हूँ। देखिए SST वाले के लिए जो है 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी वगैरह, जितने भी हिस्ट्री है, नागरिक शास्त्र है, उसमें से अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट 2 साल पढ़ रखा है तो आप उसी की परीक्षा दोगे। अब देखिए मसला आता है 6 to 8 में साइंस वाले के लिए कि साइंस वाले को क्या पढ़ना होगा। तो देखिए जिनका केमिस्ट्री और बायो है, जिनका केमिस्ट्री और बायो है, तो वो पढ़ाई क्या करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, साइंस से उनका जो है सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा, जूलॉजी बॉटनी वाले के लिए मैथ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जिनका मैथ है उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे, बायो का जो है कुछ क्वेश्चन साइंस में EVS के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा, एज ऑफ नाउ नहीं दिया जा रहा है और आगे के भी चांसेस है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं एस्टेट सर्टिफिकेट इशू का क्या होगा। तो देखिए एस्टेट सर्टिफिकेट इशू रिजॉल्व हो चुकी है, आप बिहार वाले साइड में जाओगे या फिर एस्टेट सर्टिफिकेट लिखोगे तो आपको वेबसाइट पे ये ले जाएंगे, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपनी जो यूनिक आईडी है वगैरह भर करके उस मार्कशीट को या फिर सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर पाओगे। वो तो हो गई बात, अब उसमें जो है सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे क्या भरे, सीरियल नंबर तो उसमें दिया नहीं है, तो देखिए उसमें यूनिक आईडी आपको दी गई है, उसी यूनिक आईडी को आप सीरियल नंबर की तरह क्या करोगे, यूज करोगे एज ऑफ नाउ। और डेट जो है 3 तारीख को आपको रखना है, 3 जो है आप अक्टूबर वहां पे फिल कर दोगे। ठीक है, वहां पे जो भी इशू डेट है वहां नीचे लिख दिया गया है। खैर ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। बाय द वे कोई भी आपका सवाल छूट गया हो या आपसे कुछ पूछना हो तो नीचे जो है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।